वेलकम बैक टू माई चैनल डॉक्टर कैना ज्योत गैस आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट सो लास्ट जो प्रीवियस वीडियो जो है लेक्चर अपलोडेड हुआ है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का वो भी हुआ ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स फ्राम इसेंशियल ऑफ़ द मेडिकल फिजोलॉजी जे पी मीन्स की जे पी की जो बुक है उसमें से हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हम लोगों ने कवर कर लिया है मेन मेन टॉपिक जो कवर किए हैं उसमें हमारे पास क्या था कि हमने इंट्रोडक्शन कवर किया जीआईटी चेक का फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम चेक के और फंक्शंस फंक्शनल एनॉटमी डिस्कस कर ली डाइजेस्टिव सिस्टम्स के और उसके अलावा प्राइमरी डायजेस्टिवस ऑर्गन एंड द मोस्ट इंपॉटेंट उसके एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है हमारे पास वॉल्स ऑफ जी आई टी ट्रैक्स है सो so, अगर हम लोग वॉल्स ऑफ जी आई टी ट्रैक की बात करते हैं तो जी आई टी ट्रैक के अंदर जो है वो चार लेयर्स होती हैं म्यूकस लेयर सब म्यूकस लेयर दैन हमारे पास मस्क्यू लेयर्स एंड जो लास्ट लेयर्स होती है वो सीरस और फाइब्रस लेयर्स होती है सो so, अब हमने हर एक लेयर के बारे में अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से एम ज भी आते हैं आपसे और पूछा भी जा सकता है कि कितनी लेयर्स होती हैं ज़्यादा डिटेल इसकी हिस्टोलॉजी ऑफ जी आई जब हम करेंगे तो उसमें ज़्यादा डिटेल से जो है इन लेयर्स को पढ़ा जाता है क्योंकि वो हिस्टोलॉजी के पॉइंट्स होते हैं लेकिन यहाँ पर जो फिजियोलॉजी के लिहाज से जो जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि इसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी जे में डिस्कस किए गए हैं वो डिस्कस करते हैं सो तो सबसे पहले हमारे पास जो लेयर है वो हमारे पास है आ, मस्कुलर म्यूकस लेयर सो म्यूकस लेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो म्यूकस लेयर जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है जीआईटी आई ट्रैक की इसको हम लोग गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल मिक्योजा और म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं ठीक है uh, ये फेस करती है कैविटी ऑफ द जीआईटी आई ट्रैक को फेसिस करती है अब म्यूकस लेयर्स के अंदर भी तीन मेन लेयर्स होती हैं एपिथीलियल लेयर होती है लेमिना लेमिना प्रोपेरिया होता है और मस्क्यूल मोकोजा होता है ठीक है सो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है म्यूकस लेयर जो है वो हमारे पास जी आई ट्रैक की इनर मोस्ट लेयर है यह आपको पता हो और ये भी पता हो कि इसके इसको जी गैस्ट्रिय म्यूकोजा भी कहते हैं और इसे हम लोग म्यूकस मैम्ब्रेन भी कहते हैं लेकिन इसकी तीन खुद की और इसकी तीन लेयर्स होती है कौन कौन सी होती है एपिथीलिया लेयर होती है लेमलिया प्रोप्यलिया होती है और मस्कुलर्स म्यूजा होती है जब हम लोग एपिथिलिय लाइनन की बात करते हैं सो एपीथीलियन लाइनन अब हम लोग uh, म्यूकस लेयर को पढ़ लेते हैं म्यूकस लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल्स ऑफ जी आई ट्रैक इट इज़ ऑल्सो कार्ट गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा और म्यूकस मेम्रेन इट फेजिज दविटी ऑफ जी आई टी ट्रैक म्यूकस हैज़ फोर थ्री लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर एपिथीलिया लाइनिंग लेमिलिय प्रोपोलिया एंड मेस्कुलर्स म्यूकोजा अब हम इन तीनों लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं सो so, अगर हम लोग बात करते हैं एपिथीलियल लाइनिंग की सो so, जब हम लोग एपिथीलियल लाइनिंग की बात करेंगे तो एपिथीलियल लाइनिंग में आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है एपिथीलियल लाइनिंग इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ दी कंटेंस ऑफ जी आई ट्रैक ठीक है The type of cell in this layer varies in different parts of the GI tract. The inner surface of mouth, surface of the trunk, inner surface of the pharynx, esophagus have stratified squamous, squamous, squamous epithelium cell. However, mucous membrane lining the other parts, such as stomach, small intestine, and large intestine, have कॉलमनार एपीथीलियर सेल्स कोलमनार एपीथीलिया सेल्स ये याद रखिएगा कि एपीथिलियन लाइनिंग देखो म्यूकस लेयर होती है म्यूकस लेयर जो कि हमारे पास जी आई ट्रैक के जितनी भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं लाइक प्राइमरी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर हमारे पास म्यूकस लेयर पाई जाती है अब म्यूकस लेयर की जो खुद एक इनरमोस्ट लेयर है वो कौन सी एपिथीलियल लाइनिंग है अब एपीथीलियन लाइनिंग का मेन पॉइंट आपने जो याद रखना है वैसे तो ये मेन पॉइंट आप लोग uh, हिस्टोलॉजी में भी याद रखेंगे लेकिन आप लोगों को यहाँ पर क्या याद रखना है कि एपिथीलियल लाइनिंग एपिथीलियल लेयर जो है म्यूकस एपिथीलियल लाइनिंग जो है म्यूकस लेयर की वो जीआईटी ट्रैक के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एपिथीलियल सेल्स से मिलके बनी हुई होती है लाइक like अगर हम लोग फेरिंग्स लाइक माउथ और टंग ईसोफिगर्स और फेरिंग्स की बात करें तो वहाँ पे स्क्वामस एपीथीलियल सेल्स होते हैं लेकिन अगर हम लोग बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की लार्ज इंटेस्टाइन की और स्टमक की तो उसमें हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हमें मिलता है ठीक है ये मेन पॉइंट क्योंकि स्टेटिफा हमारे पास जो स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स हैं वो हमें कहाँ पे मिलेंगे माउथ में टंग में और कहाँ पर मिलेंगे फेरिंग्स में और इसी में लेकिन स्टमक इस इस्मॉलॉलॉल इंटस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में हमें एपीथिलिंग की जो लेयर मिलेगी वो किससे बनी हुई होगी कॉलमनर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स से उसके बाद है लेमिलियम प्रोप्रिया लेमिन प्रोप्रिया इज़ फॉर्म बाय कनेक्टिव टिश्यूज़ विच कंटेंट फेब्रोब्लास्ट माइक्रोफेजस लिम्फोसाइड्स एंड ईजोनोफिल्स इसमें बेसिकली लेमिन प्रोप्रिया के अंदर हमारे पास जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज से मिल के बनी होती है और इसमें बेसिकली हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि हमारा जो भी इम्यून सिस्टम है उसके सेल्स पाए जाते हैं लाइक फेब्रोब्लास्ट हो गए माइक्रोफेजिस हो गए लिम्फोसाइड्स हो गए एंड इजोनोफिल्स इजोनोफिल्स लिम्फोसाइड्स एंड दी फेब्रोब्लास्ट ओ ओके उसके बाद मस्क्युलर्स मिक्योजा मस्कुलर्स मिक्योजा लेयर जो होती है वो थिन लेयर होती है थिन uh, लेयर होती है स्मूथ मसल्स स्मूथ फाइबर्स की किसकी होती है वो थिन लेयर वो थिन लेयर है मस्कुलर्स मिकोजा मस्क्यूलर्स मिक्योजा लेयर कंसिस्ट ऑफ अ थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर्स इट इज एब्सेंस इन माउथ एंड द फेरिंग इट इज प्रेजेंट फ्राम ईसोफिगर्स ऑनवर्ड अच्छा जो हमारे पास मस्कुलर्स मिक्योजा है बेसिकली वो स्मूथ मसल्स की लेयर होती है और ये माउथ में नहीं प्रेजेंट होती ठीक है माउथ और फेरिंग्स में नहीं होती बल्कि ईसो से डाउनवर्ड जो भी ईसो के बाद जो भी हमारे पास ऑर्गन्स आएंगे लाइक ईसो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन स्टमक तो इस ईसो स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन इन सब में हमें जो है वो हमारे पास कौन सी मस्कुलर्स मिकोजा लेयर मिलेगी लेकिन ये माउथ और फेरिंग्स में नहीं होगी उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड अब हमारे पास सब सेकेंड लेयर है वो है सब म्यूकस लेयर सब म्यूकस लेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द जी आई डी ट्रैप एक्सेप्ट द माउथ एंड फेरिंग्स इट कंटेन्स इस कंटेन्स लूज कॉलेज फाइबर्स इलास्टिक फाइबर्स रेटिकुलर फाइबर्स एंड फ्यू सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल्स लिम्फ वेसल्स एंड नर्व फ्लक्सेस आर प्रेजेंट इन द लेयर याद रखिएगा ऐसी कौन सी लेयर है जिसके अंदर नर्व नर्व्स प्लक्सेज और लिफ वेसल्स पाए जाते हैं जी आई में ऐसे कौन सी लेयर है तो आपको याद हो कि मस्त सब न्यूकस लेयर जो है एक्चुअली सब न्यूकस लेयर जो है जी आई के हर पार्ट में प्रोड्यूस uh, जो है प्रेजेंट होगी लाइक लेकिन माउथ और फेरिंग्स में नहीं नहींगी माउथ और फेरिंग्स के अलावा जी आई के हर पार्ट में हमें सब न्यूकस लेयर मिलेगी ये किस किस uh, किस किस पार्ट से मिलकर बनी हुई थी कौन कौन से इसके uh, जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाए जाती हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज लूज कनेक्टिव फाइबर्स हो गए इलास्टिक फाइबर्स हो गए रेटिकुलर फ़ाइबर्स हो गए और कनेक्टिव टिश्यूज़ कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए लेकिन ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स और नर्व प्लेक्सेस जो हैं वो इसी लेयर में पाए जाते हैं देन हमारे पास है मस्कुलर लेयर मस्कुलर लेयर जो होती है मस्क थर्ड लेयर जो हमारे पास है मस्कुलर लेयर मस्कुलर लेयर इन लिप्स cheeks and walls of pharynx contain skeletal fibers the esophagus has both skeletal and the muscles smooth muscle fibers wall of the stomach and intestine is formed by the smooth muscles fiber acha muscular layer mein jo hai muscles hi honge muscular layer se pata chal raha hai ki ye muscles honge inke andar देखो ab muscles hain gii hita के different part में different muscles होंगे. like cheeks में, lips में और wall of pharynx में हमें सिर्फ skeletal muscles fibers मिलेंगे. कौन से skeletal muscles fiber इस ईसो फिगर्स में हमें स्मूथ और स्केल्टर मसल फाइबर्स दोनों मिलेंगे लेकिन वॉल ऑफ स्टमक में हमें स्टस्टाइन जो है वो स्मूथ मसल फाइबर से मिलके बने हुए हुई होगी वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल ऑफ स्टमक एंड दस्टाटाइन इंटेस्टाइन इज फॉर्म बाय द स्मूथ मसल्स फाइबर स्मूथ मसल्स फाइबर याद रखिएगा इस फिगर्स में दोनों फाइबर्स होते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स भी होते हैं स्कैटर फाइबर्स भी होते हैं लेकिन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्मूथ मसल्स फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है और चेक्स में लिप्स में वॉल ऑफ फेयरिंग में हमें स्केटर मसल्स मिलेंगे ठीक है अब इस लेयर को थोड़ा सा इंटस्टाइन वाइज जो है वो डिफरेंट थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है लाइक के स्मूथ मसल स्टमक में किस तरीके से होते हैं इन स्टमक स्मूथ मसल फाइबर्स इन स्टमक आर अरेंज्ड इन थ्री लेयर्स इनर ऑब्लिक मिडल सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल अच्छा देखो ये याद रखना है कि पूरे जी टी में हमारे पास जो मसल्स की अरेंजमेंट होगी वो इनर हमेशा ऑब्लिक होगे ठीक है मिडल वाले सर्कुलर होंगे और आउटर वाले लॉन्गिट्यूटल होंगे एक्सेप्ट यूरिटर और यूरिनरी ब्लड उनका हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे बस स्टमक का आप याद रखिएगा कि स्टमक की जो आउटर लाइनिंग होगी वहाँ पे लॉन्गीट्यूटल लेयर होंगी हमारे पास मसल्स की मिड में सर्कुलर लेयर होगी और इनर में हमारे पास जो है वो ऑब्लिक लेयर होगी देन हम लोग उसके बाद चलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो जो हमारे पास हम लोग मसल्स uh, लिखी जो लेयर पा रहे थे मस्कुलर लेयर उसमें हमारे पास इंटेस्टाइन में किस तरीके की लेयर होंगी वो पढ़ते हैं अच्छा यहाँ पे देखो इन इन इंटेस्टाइन स्मूथ मसल फाइबर इंटेस्टाइन आर अरेंज्ड इन टू लेयर्स इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल ठीक है इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल वही बात है इंटेस्टाइन में भी इस तरीके के होंगे जिस तरीके के हमारे पास हमें किसमें मिले स्टमक में अच्छा ऑर्बेट नर्व प्लक्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सर्कुलर एंड लॉन्गिटीटर मसल फाइबर्स द स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट इन इनर लेयर ऑफ द एनल कैनाल कंटेन इंटरनल एनल इस्पेक्टर द एक्सटर्नल फॉर्म बाय द स्केटर मसल फाइबर ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो आप लोगों को याद करना है आ, मैं एक बार आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कौन सा ये कि ऑर्बेट प्लेक्सिस कहाँ पे होगा ऑर्बेट प्लेक्सिस जो होगा वो इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गटूट मसल्स फाइबर्स के दरम्या में हमें ऑर्बेट नर्व प्लेक्सिस मिलेगा अच्छा स्मूथ जो मसल्स फाइबर्स होते हैं जो इनर लेयर इनर सेलुलर लेयर सर्कुलर लेयर ऑफ एनल के में होते हैं वहाँ पे वो क्या बनाते हैं इंटरनल एनल इस्पेक्टर्स और जो एक्सटर्नल एनल स्पेक्टर्स है वो फॉर्म होता है इसकेटर मसल्स फाइबर से ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि ऑर्बिक नर्व फ्लक्सेस कहाँ पे होता है ऑर्बिक नर्व फ्लक्सेस इनर सर्कुलर लेयर एंड आउटर लॉन्गिट्यूटर लेयर्स के दरमियान में होता है मसल फाइबर्स के दरमियान में होता है ये याद रखेगा लास्ट लेयर है हमारे पास सीरस और फाइबरस लेयर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द जी वॉल सीरस और दी फाइबरस दीरियस लेयर इज ऑल्सो का दीरोजा और सीरस मेम्रेन एंड इज फॉर्म बाई एंड मीजो एपिथिलियल सेल्स इज कवर स्टमक स्मॉल इंटस्टाइन एंड लार्ज इंटस्टाइन द फाइब्रस लेयर इज अदरवाइज कॉल फेब्रोजा एंड इट इज फॉर्म बाय द कनेक्टिव टिश्यूज इट कवर्स फेरिंग्स एंड द ईसोफिगर्स अच्छा जी के कुछ ऑर्गन्स जो लास्ट लेयर से कवर होंगे या तो वो सीरियस लेयर होगी या फिर वो फाइब्रस लेर्स होगी ठीक है सीरियस लेयर जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी हुई है फाइब्रस लेयर्स भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी हुई है सीरियस लेयर जो सीरियस लेयर है वो कवर करेगी स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को और फेरिंग्स uh, और ईसो को कौन सी करेगी फाइब्रस लेयर करेगी सो आई होप अब लेयर ऑफ जी आई आप लोगों के कवर हो जाएंगे सो लेयर ऑफ जी आई में हम लोगों ने क्या, क्या 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 पढ़ा कि हमारे पास जो जी आई है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं सो so, अगर मैं बात करूँ कि जी आई की कितनी लेयर्स होती हैं तो जी आई की हमारे पास चार लेयर्स होती हैं जिसमें हम लोगों ने म्यूकस uh, लेयर पढ़ी म्यूकस के बाद सब म्यूकस लेयर देन मस्कुलर लेयर एंड उसके बाद हम लोगों ने सीरस और फाइब्रस लेयर पढ़ी अच्छा अब मैं छॉर्ट ओवरव्यू देती हूँ म्यूकस लेयर हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ी कि म्यूकस लेयर जो होती है वो हमारे पास इनर मोस्ट लेयर होती है जी आई ट्रैक की ठीक है और इसकी ख़ुद की तीन लाइनिंग्स होती हैं एपीथीले लाइनिंग होती है उसके अलावा एपिथिले लाइनिंग के अलावा हमारे पास लेमिलिया प्रोप्रिया होता है और मस्कुलर्सोजा लेमिलिया प्रोक्रिया का तो बहुत ही डिफरेंट पॉइंट है कि उसमें सारे लम्फोसाइड्स हमें इम्यून सिस्टम जो भी हम वो मिलेगा लाइक हमें कौन कौन से सेल्स मिलेंगे लम्फोसाइड्स माइक्रोफेजिस फेब्रोब्लास इजोनोफिल मिलेंगे ठीक है एपीथिले लाइनिंग में भी हम लोगों ने पढ़ा था एपिथिलिंग कुछ नहीं होती एक लाइनिंग्स होती हैं

ईसो के बाद जो है जी के तमाम ट्रैक्स में जी के तमाम ऑर्गन्स भी हमें मिलती है उसके बाद सब म्यूकस लेयर पड़ी सब म्यूकस लेयर में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ऑल पार्ट ऑफ जी ट्रैक्स में होती है एक्सेप्ट माउथ और फेरिंग्स अच्छा इसमें लूज़ कनेक्ट कॉलिजन फाइबर्स इलास्टिक फाइबर्स रेटिकुलर फाइबर्स और लिम्फ फेसल्स एंड लिफ मसल्स और, और नर्व फ्लेक्सेज हमें सब न्यूक्स लेयर में मिलते हैं मस्कुलर लेयर क्या होती है वो चिक स्लिप्स और इसमें स्केनेटस इस की बनी हुई होती है लेकिन हमारे पास जो है स्टमक में और इंटस्टाइन में ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है स्टमक में मिडल इन, इन इनर लॉन्ग ऑब्लिक लेयर मिडल सर्कुलर लेयर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडल थे फिर इसमें इंटस्टाइन में हमने पढ़ा कि इनर सर्कुलर्स हैं आउटर लॉन्गिट्यूटनल है औरबेक नर्व फ्लेक्सेज कहाँ पर प्रेजेंट होता है सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूड मसल्स फाइबर में होता है ठीक है और जो स्मूथ मसल्स हैं वो आ, जो स्मूथ आ, मसल्स के प्रेजेंट होते हैं इनर सर्कुलर लेयर वो बनाती है एन किनार के इंटरनल इंस्पेक्टर्स और एक्सटर्नल एनल, एनल स्पेक्टर बनते हैं स्केटर मसल से सीरियस और फाइब्रस लेयर किस तरीके से सीरियस लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती है कवर करती है उसके अलावा स्टामक और लार्ज इंटेस्टाइन को और ये बनी हुई किससे होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड नेम नीजोएपीथी लेयर और फाइबरस लेयर जो होती है वो कनेक्ट वो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी हुई होती है और वो कवर करती है फेरिंग्स और ईसोपिकस को तो सीरस और फाइब्रस लेयर लास्ट होती है सो मेन पॉइंट जो आप लोगों को इसमें याद करना है बस वही याद करने है कि नाम कौन कौन सी लेयर्स होती हैं म्यूकस सब म्यूकस लेयर और मस्कुलर लेयर देन सीरस और फाइब्रस लेयर ठीक है और हमारे पास जो हमारे पास म्यूकस तयर है उसकी भी तीन लाइंस होती हैं एपिथेलियल लाइनिंग होगी लेमियाप्रप्रलिया हो गया और हमारे पास कौन सी की मस्कुलर आ, मस्कुलर्स मिक्योजा हो गए मस्कुलर्स मिक्योजाज में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो सिर्फ और सिर्फ थी एयर होती है स्मूथ मसल्स की ये माउथ और फेरिंग्स में नहीं होती लेकिन हर जगह होती है उसके अलावा प्रिपेर लेयर का भी बहुत ईजी पॉइंट था लिम्फेसल जो भी होंगे आपके पास लिप थोट्स वगैरह इम्यून सिस्टम के पार्ट्स वो वह मिलेगी हमें एपिथेल लाइनिंग क्या भी सिंपल था सिर्फ आपको स्टेटिफाइड स्क्वामस एपिथिलियम्स याद हो और उसके अलावा आपको क्या पे याद हो कॉलमनर एपिथिलियम सेल्स याद हो ठीक है और वो आपको पता है कि वो उसके बाद आपके पास सबमिकसर लेयर है उसमें हमारे पास सारे नर्व फ्लेक्सेस वगैरह हमें मिलेंगे ये कनेक्टिव टिशू इसमें कॉलिजन फाइबर्स इलास्टिक फाइबर्स कनेक्टिव टिशूस रेटिकुलर फाइबर सब्ज होते हैं मस्कुलर लेयर्स का भी आपको पता है वो सिंपल सब लेयर्स हैं कि इनर सर्कुलर्स आउटर लॉन्गि जो आउटर लॉन्गिट्यूट और इनर ऑब्लिक मिडल ये आपको पता और सीरस और फाइबर्स का भी आपको पता चल गया तो ये चार इम्पॉर्टेंट लेयर्स हैं जी आई ट्रैक की जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और एक एम सी की आपको ज़रूर याद हो कि जो हमारे पास ऑर्बिट प्लक्सेज हैं वो कहाँ पर मिलते हैं तो ऑर्बिज नर्व प्लक्स हमें कहाँ मिलता है बिटवीन इन सर्कुलर एंड द लॉन्गिट्यूड मसल फाइबर सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा अब हम लोग नर्व सप्लाई ऑफ द जी, जी, जी आई टी ट्रेक जो है उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल दैट तरह हाफिज़